हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत तीसरी बार पहुंचे बोरनड़ी। 17 दिन से चल रहे बोरनड़ी बेरा समदड़ा पर रेस्क्यू का आज सुबह जायजा लेने पहुंचे सोजट DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ व सेना के जवानों से जानकारी लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 17 दिन से चल रहे रेस्क्यू में कुएं में पानी की आवक ज्यादा आने की वजह से आ रही थी परेशानी। अब निकलने लगे हैं बड़े बड़े पत्थर बाहर। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निकल सकता है कुएं में मलबे के नीचे दबे नरेंद्र का शव बाहर। 17वें दिन भी बेरा समदड़ा पर रेस्क्यू जारी है। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि सेना व प्रशासन द्वारा रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। कुएं में पानी की आवक ज्यादा होने की वजह से मोटर लगाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं कुएं में जो मलबा व पत्थर गिरे थे वह पत्थर अब कुएं में से बाहर निकल रहे हैं। जल्द ही नरेंद्र का शव बाहर निकलने की उम्मीद है। इस दौरान सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, बगड़ी थाना अधिकारी बाबूलाल जांगीड, सोजत रोड थाना अधिकारी अनिल कुमार, सवराड़ पूर्व सरपंच कैलाश मालवीय, सेना के जवान RAC व पुलिस कर्मी मौजूद थे। जागरूक TV के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।